कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते हैं। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, ये खून उसका नहीं, हमारे लोगों का है। यश की अगली फिल्म, इनकी कौन कौन सी फिल्में हैं पाइपलाइन में, तो चलिए जानते हैं आज हम यही सब इसी वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ में, और मैं आपकी दोस्त और होस्ट हर्षिका। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारे KGF के सुपरस्टार यानी कि हमारे सुपर डुपर यश के बारे में, जिन्होंने KGF में अपनी एक्टिंग से सभी को दीवाना बना दिया है अपना। उनके पीछे तो सारे फैंस पागल ही हो चुके हैं। KGF और KGF 2 को देख के सभी के मन में यश और टॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा इज्जत बढ़ चुकी है, यानी कि टॉलीवुड इंडस्ट्री की इज्जत यहाँ से यहाँ चली गई है। इनकी एक्टिंग और इनके एक्शन इतने ज़्यादा कमाल के थे, डायरेक्टर प्रशांत नील ने काफ़ी सोच समझ के यश को लिया था और उन्होंने अपनी काबिलियत को काफ़ी अच्छी तरीके से इस फिल्म के अंदर हमें दिखाया भी। उन्होंने बताया कि कैसे वो वन ऑफ द बेस्ट एक्टर हैं हमारी पूरी इंडस्ट्री में। यश की बातें तो टॉलीवुड से लेके हॉलीवुड तक होने लगी हैं। यश के पीछे सारे ही फैंस काफ़ी दीवाने हैं, काफ़ी ही पागल हैं। तो चलिए जानते हैं अब इनकी कौन सी फिल्में आने वाली है और क्या मतलब है इस शिप बैटल से, यानी कि शिप बैटल वर्ड मैंने क्यों यूज़ करा आखिर। तो दोस्तों, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि यश की काफ़ी सारी फिल्में आ रही हैं, यानी कि मैं आपको बात बताऊं तो यश के पास पूरी 3 फिल्मों का भी ऑफर आया है, यानी कि ये तीनों फिल्में ही काफ़ी ज़्यादा हाईली बजटेड और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से बनने जा रही हैं। तो दोस्तों, इनमें सबसे पहली फिल्म का नाम है यश 90, जो काफ़ी हद तक हमें KGF जैसी ही देखने को मिलेगी। इसके अंदर बट हमारे यश का लुक काफ़ी ज़्यादा चेंज होगा, फिल्म की कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग है, फिल्म का कहानी भी काफ़ी अलग है, और उसके लिए मेकर्स ने इसकी अमाउंट भी लिए। उन्होंने बोला ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा हाई बजट की होने वाली है, अगर हमें KGF को टक्कर देना है तो उसके लेवल की फिल्म लानी पड़ेगी, और इसीलिए वो यश 90 ला रहे हैं। और उसके बाद इनको फिल्म मिली है रोबोट के डायरेक्टर SS शंकर द्वारा, जिसका नाम है यश 20। जी दोस्तों, यश 19 कोई और डायरेक्टर बना रहे हैं, यश 20 हमारे रोबोट के डायरेक्टर SS शंकर बना रहे हैं। अब उनके डायरेक्शन तो हमने देखा ही है, रोबोट तो इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंचाइजीज में से एक है, क्योंकि ऐसी फिल्म तो किसी ने देखी ही नहीं थी, किसी ने सोची ही नहीं थी, हमारे डायरेक्टर साहब ने बना के रख दी। और उसी के साथ अगर हम बात करें तो ये फिल्म होने वाली है एक पीरियोडिकल ड्रामा। अब पीरियोडिकल ड्रामा कैसे होगा ये, क्योंकि इस फिल्म के अंदर हमें पुराने ज़माने का दिखाया जाएगा, यानी कि बाहुबली जैसी हो सकती है ये फिल्म। तो सोचिए दोस्तों, कितनी ज़्यादा ग्रैंड फिल्में हैं यश के पास। और उसी के साथ अगर मैं इसकी लास्ट फिल्म बताऊँ तो वो होने वाली है पृथ्वीराज चौहान पे बेस्ड। जी दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान पे होने वाली है इनकी अगली फिल्म बेस्ड। तो काफ़ी ज़्यादा खुश है फैंस ये सारी ही चीज़ें देख के, और उनको काफ़ी ज़्यादा जल्दी इनकी कोई ना कोई अपडेट चाहिए। तो उसके लिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिल सकती है आपको आपके फेवरेट सुपरस्टार्स की सारी अपडेट। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।